जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारे किट कैट ब्रेड रोल जो है वो बनकर रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आपके रिज़क के अंदर, कारोबार के अंदर बरकतें और रहमतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूँ रियासतली, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कसूरी किचन। तो जी दोस्तों, आज कसूरी किचन में हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी किस्म की रेसिपी जो है वो आप दोस्तों तक शेयर करेंगे। तो वो रेसिपी क्या है? वो है किट कैट ब्रेड रोल। आपने चिकन रोल खाए होंगे, मगर आज मैं किट कैट चॉकलेट जो होती है उसके ब्रेड रोल बनाकर आपको दिखाऊंगा। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो ये बहुत ही जल्दी रेसिपी बनती है। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल का बटन है उसको लाजमी प्रेस करें। उससे क्या है कि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। तो चलते हैं, बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए 4 पीस मैंने ब्रेड के लिए हैं और 2 मैंने किटकैट ले ली है। तो अब पहले जो है वो मैं ब्रेड के किनारे जो है वो रिमूव करूँगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी ये देखिए, इस तरह पहले किनारे उतार लेने बिस्मिल। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो रेसिपी बनती है। तो आप अपने बच्चों को बनाकर दें, स्नैक के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करें तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ये देखिए, इस तरह मैं चारों के जो है वो किनारे उतार लेता हूँ। जी ये देखिए, चारों को जो है वो मैंने किनारों को रिमूव कर लिया है। अब मैं बेलने की मदद से इनको फ्लैट करता हूँ, प्रेस करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने बेलना लिया इस तरह, बस अच्छे से इसको प्रेस करना है। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर तक लाजमी शेयर किया करें, ताकि आपके 1 लाइक से मेरी हौसला अफजाई होती है। जी ये देखिए, इस तरह अच्छे से चारों को मैं करके आपको दिखाता हूँ। जी माशाल्लाह, मैंने चारों को जो है अच्छे से जो है वो प्रेस कर लिया है, ये देख सकते हैं। तो अब मैं आपको आगे वाला प्रोसीजर बताता हूँ। ये देखिए, मैंने किटकैट ले लिया है, इसको मैं ओपन करता हूँ बिस्मिल्लाह। जी ये देखिए, इसको ओपन कर लेना है। अब इन चारों को जो है वो हम काट लेते हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें, चारों को मैंने काट लिया है। अब आगे वाला प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जी अब ये देखें, आपने ये ब्रेड जो हम जो प्रेस की थी, ये देखें, ये हम इस तरह रखेंगे तो ये हमारा जो है ये किट कैट का पीस जो है ये बड़ा है, ये आगे से हम थोड़ा सा काट लेते। जी ये देखिए, अब मैंने आगे से काट लिया है। अब ये देखें जी, इसको बीच में रखना है, इस तरह इसके साथ इसको रखना है, इस तरह इसको रोल करते जाना है। जी ये देखिए, इस तरह, ये देखिए, इस तरह रोल कर लेना है। और इसके ऊपर ये देखिए, मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, वो इस तरह अप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा कि इसका अच्छे से लॉक लग जाएगा और ये उतरेगा भी नहीं। तो मैं इस तरह सारे बना के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह जो है हमने इसको अप्लाई कर देना है, दूध को इस साइड पे भी। ये देखिए, इस तरह दोनों साइड से। जी ये आप देख सकते हैं, एक रोल हमारा बन गया। इस तरह मैं सारे रोल बना के आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं रोल जो है वो मैंने किटकैट अंदर डाल के बना लिए हैं। अब आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जी ये देखिए, ये एक मैंने अंडा लिया है, इसको अच्छे से मैं फेंट लेता हूँ। जी ये देखिए, मैंने अच्छे से अंडे को जो फेंट लिया। अब ये देखिए, मैंने ब्रेड क्रम्स भी साथ लिए हैं। तो पहले हम अंडे के अंदर जो है वो डिप करेंगे, उसके बाद जो है वो हम ब्रेड के साथ इसकी कोटिंग करेंगे। जी ये देखिए, इस तरह बिस्मिल्लाह। तो ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार जो है ये हमारे किटकैट ब्रेड रोल बनेंगे। ये देखिए, इस तरह जो है वो मैं सारे आपको बना के दिखाता हूँ। जी ये देखिए, एक मैंने बना लिया है, अब बाकी भी मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। जी माशाल्लाह, ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त कोटिंग ब्रेड क्रम्स के साथ मैंने कर ली है। तो अभी ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो हम चलते हैं इसको फ्राई करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, प्यारी सी कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया। चूल्हे को मैं ऑन करता हूँ बिस्मिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर तेल ऐड करता हूँ। और तेल को मैं अच्छे से गर्म कर लेता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह तेल हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी अब मैं एक साइड से इनको पका लेता हूँ, फिर साइड चेंज करके आपको दिखाता हूँ। फ्लेम को मैंने मीडियम पर किया हुआ ताकि ये जले ना। आप भी मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएं। जी देखिए साइड मैंने चेंज कर दिया है। अब इसको गोल्डन होने तक मैं इसको पका लेता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं गोल्डन जो है वो हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेता हूँ। जी देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त पक गए हैं। मैं निकाल लेता हूँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब मैं दूसरे भी पका लेता हूँ बिस्मिल्लाह। जी ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये भी पक गए हैं। इनको भी मैं निकाल लेता हूँ। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है बिस्मिल्लाह। जी ये आप देख सकते हैं। अब मैं इनको सर्व करके आपको दिखाता हूँ। जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारे किट कैट ब्रेड रोल जो है वो बनकर रेडी हैं। बहुत ही प्यारी जो है वो खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं ये देखिए बहुत ही क्रंची हैं। देखिए कितनी आवाज़ आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आए हों तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों और फैमिली मेम्बर तक मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, इसको लाइक किया करें। मेरी हौसला अफज़ाई होती है। इस कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल का बटन है उसको लाजमी प्रेस करें। उससे क्या है कि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। तो अब मैं आपको एक कटिंग करके दिखाता हूँ बिस्मिल्लाह। जी ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारे किट कैट ब्रेड रोल जो है वो बना है। तो आप भी ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आपके खानों के अंदर रिज़क के अंदर बरकतें और रहमतें अता फरमाए। आमीन। इसी दुआ के साथ आप मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।